इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक डेलीगेशन आज जयपुर गया था। डेलीगेशन का नेतृत्व प्रभात ने किया, साथ में आदर्श वाजपेयी और कई वरिष्ठ लोग थे। कुमार विश्वास ने अकेले प्रभात कुमार से मिलने की अनुमति दी। प्रभात कुमार ने लगभग 16,000 पन्नों के सबूत दिए, जिनमें हवाला चंदे की डिटेल्स, बेनामी कंपनियों के सबूत, सत्येंद्र जैन के घोटालों के पेपर, सब डॉक्यूमेंट्स कुमार विश्वास को सौंपे। कुमार विश्वास ने भरोसा दिया है कि दिल्ली सरकार वो आम आदमी पार्टी में हुए भ्रष्टाचार पर वो अगले 3 दिनों के अंदर अपने विचार सार्वजनिक करेंगे। कुमार विश्वास ने पीएसी के वो पहले सदस्य है जिन्होंने भ्रष्टाचार व केजरीवाल की चुप्पी पर सबसे पहले सवाल उठाए थे। क्या इस पर कपिल मिश्रा ने कई तीखी प्रतिक्रियाएं की है? कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो बड़ा आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में करेंगे और साथ ही केजरीवाल की विधानसभा सीट पर जाकर के वो जनमत संग्रह करेंगे, लोगों की राय लेंगे। कपिल मिश्रा की का क्या है कहना, ये सुनने से पहले आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नई खबर, ताजा अपडेट इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। क्या कहना है कपिल मिश्रा का, सुनिए। कुमार मिल के आए हैं राजस्थान में कुमार विश्वास से, आपने उम्मीद शब्द का यूज किया, क्या लगता है आपको कि जो उन्होंने लिया है प्रभात कुमार से वो यहाँ पर जिक्र करेंगे उस सीट का, और अगर कुछ निकलता है तो वो आपके साथ खड़े नजर आएंगे क्योंकि आप भैया उनको बुलाते हैं, लगता है उम्मीद है आपको? मेरे को तो पूरी उम्मीद है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पे कुमार विश्वास जी बयान देंगे, सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पे और दिल्ली की सरकार में और पार्टी में हुए जो चंदे की गड़बड़ियां, हवाला के मामले हैं उनके ऊपर बोलेंगे। पेपर उनको दे दिए गए हैं, उन्होंने लिए भी हैं, सहर्ष स्वीकार किए हैं, तो मुझे तो पूरी आशा है। और उन्होंने कहा है कि 3 दिन में अगर बयान देंगे तो ना मानने का कोई कारण नहीं है, तो कुमार विश्वास जी पर विश्वास तो हम लोग करते ही हैं। तो लगता है आपको कि जिस तरह से उन्हीं की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी में उनके खिलाफ कई लोग आवाज उठा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, बीजेपी से मिले होकर बोलते हैं, तो लगता है आपको कि अगर कुछ सच्चाई सामने आती है तो कुमार विश्वास या कोई नया संगठन बनाएंगे या आपके साथ खड़े होंगे या कुछ करेंगे? क्या नहीं, नया संगठन की आवश्यकता नहीं है, ये आम आदमी पार्टी हम सबकी पार्टी है, मैं भी आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी से बाहर अपने आप को कभी मानूंगा नहीं। पार्टी से बाहर वो लोग जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, अगर मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार के सबूत होते तो मैं पार्टी से बाहर जाता, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत है वो पार्टी से बाहर जाएंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं चाहे वो मैं हूँ या कुमार विश्वास जी अगर उठाते हैं अगले 3 दिनों में जैसा कि उन्होंने वादा किया है, हम लोग पार्टी से बाहर क्यों जाएंगे? लगता है आपके हिसाब से जब सच्चाई सामने आएगी तो वो खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो आपका मूवमेंट है? नहीं, सच्चाई तो सामने आ चुकी है, 15 FIR इस देश में किसी भी सरकार के खिलाफ दर्ज नहीं हुई भ्रष्टाचार की, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ दर्ज है। सत्येंद्र जैन की बेनामी और हवाला के पेपर आज पूरी दिल्ली में हर किसी ने देख लिए हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद भी अब वो बोलते कब है इसका इंतजार है। आज उन्होंने 3 दिन के अंदर बोलने का वादा किया है और आशा है, उम्मीद है, इंतजार है। कहीं इस तरह की ये कोशिश हो रही है और यही वजह है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आज दूसरा सत्र एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग जुटे हुए हैं। सर, ये सब वही लोग हैं जो उस वक्त आंदोलन में जुड़े हुए थे, आज आपने उनको दोबारा बुलाया, सब लोग साथ में जुड़े, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपने कर दी, FIR भी आपने कर दी, कानूनी प्रक्रिया तो आप चला रहे हैं, संगठन और किस तरह से सड़क पर या किस तरह से ले जाना चाहिए? आज हम लोगों ने सभी साथियों की मीटिंग बुलाई है जो रणनीति का हिस्सा है और कैलेंडर बना रहे हैं पूरी दिल्ली में आंदोलन का, दिल्ली में बड़े स्तर पर आंदोलन की हम लोग योजना बना रहे हैं, जिसमें सभी विधानसभाओं में जनसभा, एक पूरे शहर की यात्रा निकालना जिसमें केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचारों के सबूत जनता को दिखाए जाएंगे, साथ साथ पंजाब जाने का प्रोग्राम है, अरविंद केजरीवाल जी की जो विधानसभा है नई दिल्ली वहां पे जनमत संग्रह कराने का प्रोग्राम है, आज इनकी सारी तारीख फाइनल करके शाम तक हम लोग घोषणा करेंगे। कपिल जी, बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए, कपिल जी पुराने साथी है वही है जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होते थे जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज ये लोग आपके साथ है, तो जो मीटिंग का पर्पज है किस उद्देश्य के साथ ये मीटिंग है? खास साथियों की मीटिंग है, दिल्ली भर के जो कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं जो आगे की रणनीति बनाएंगे और समय देंगे दिल्ली में एक बड़े जन आंदोलन का, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ये सरकार बनी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के द्वारा ही अब इनको जाना होगा।